स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3.8 कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन होने के पीछे के कारण. इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आए दिन जो प्राइस होते हैं गुड्स और सर्विसेज पे वो बढ़ते जाते हैं हर सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के किसी भी क्षेत्र में, यानी पैसा कमाने का कोई भी जरिया हो उसमें अगर भाव बढ़ जाता है तब क्या होता है, तब उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन. द टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर. अब दो ऐसी खास चीज़ें जिसकी वजह से हमारे गुड्स और सर्विसेज अफेक्ट होते हैं वो कौन सी है, डिमांड एंड सप्लाई. सो द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि डिमांड मतलब होता है जो चीज़ों की मांग होती है, एंड सप्लाई मतलब जो चीज़ें उन तक पहुँचाई जाती हैं. सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच में अब आपको फ़र्क शॉर्टली पता चल गया. अब यहाँ पे बताया मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, यही दो कारण हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या इन्फ्लेशन को अफेक्ट करने वाले दो कारण कौन से हैं. इंक्रीज इन डिमांड यानी कि जो मांग है वो बढ़ जाना, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जब मांग बढ़ती है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है. इस तरीके से नाउ उसी में दिया हुआ देखिए 3.8.1 में इंक्रीज इन डिमांड, अपना दो फैक्टर्स थे इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा था इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड यानी मांग, मांग में बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है. देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट विच लीड्स टू द इंक्रीज इन इट्स प्राइस. अब अगर इंक्रीज होगी डिमांड में तो प्रोडक्ट का जो होगा वो भी, प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा ओरिजिनल वो भी बढ़ जाता है. इफ़ द सप्लाई इज़ नॉट प्रोवाइडेड और इफ दे आर प्रोवाइडेड एट ए स्लोअर रेट दैन द इंक्रीजिंग डिमांड्स देन देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब देखिए अगर जो डिमांड है वो ज़्यादा मात्रा में है और सप्लाई जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, यानी उनकी मांग है लेकिन हम उस तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं या धीमी गति में स्लोली अगर हम उन तक पहुँचा रहे हैं तो डिमांड्स होती है वो बढ़ती हुई डिमांड्स होती है, देन देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब क्या होता है क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड है इसीलिए जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो भी बढ़ जाता है. If there is inflation due to increase in aggregate demand as compared to the aggregate supply, then it is called demand pull inflation. अब देखिए जो original जैसे demand बहुत ज़्यादा हो रही है और supply बहुत कम हो रही है, लेकिन supply हो रही है ज़्यादा मात्रा में या सही मात्रा में supply की जा रही है aggregate form में, यानी कि जितनी की ज़रूरत है जितनी की demand है उतना अगर हम फुलफ़िल कर रहे हैं, सही तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जितनी मांग उतना इन्फ्लेशन. द मेजर रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलोइंग. अब इसके कुछ मेजर, कुछ खास कारण हैं. खास कारण कौन से हैं, देखिए इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. तो सबसे ज़्यादा मनी का जो सप्लाई होता है उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी उसे बढ़ाया जाता है. मॉनेटरी कंसीडर इन्फ्लेशन एज ए प्योरली मॉनेटरी. अब जो इंसान होता है वो इन्फ्लेशन को लेकर अपने मॉनेटरी सिस्टम को प्योर बनाने की कोशिश, यानी सफाई से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से पैसे को किस तरह से यहाँ से वहाँ घुमाया जाता है. मॉनेटरी कंसीडर इन्फ्लेशन एज ए प्योरली मॉनेटरी, यानी कि जो इंसान होता है वो पहुँचाते टाइम कोई भी चीज़ ईमानदारी से या सफाई से उस तक पहुँचाता है, और इस तरह के जो इंसानों द्वारा पहुँचाया जाता है ये हो गया मॉनेटरी फिनोमेनन, यानी कि जो रोज की क्रिया होती है. अकॉर्डिंग टू दैम इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी इन अ स्टेट द इंडिविजुअल्स अर्न मोर इनकम बिकॉज ऑफ विच द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज इंक्रीज. तब क्या होता है अकॉर्डिंग टू दैम, यानी कि उनके द्वारा क्या होता है इंक्रीज इन मनी, पैसे का जो काम होता है उसका भी फंक्शन तेज हो जाता है. स्टेट जो पैसे की होती है अमाउंट वो बढ़ जाती है. द इंडिविजुअल्स अर्न मोर, अब जो एक इंसान होता है वो ज़्यादा कमाने लगता है. इनकम बिकॉज, इनकम उसकी क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज इंक्रीज, क्योंकि लोगों की मांग जब बढ़ जाएगी तो वो उनके इनकम अपने आप डेफिनेटली बढ़ना सोर्स हो जाता है. अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन्स स्टेडी, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो होती है वो स्टेडी यानी धीरे धीरे ही होती है, तो लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन. तब ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन, यानी भाव भी बढ़ेगा और गति भी घटेगी. तो मैसलोप सेज, अब देखिए मैसलोप सेज दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉसेस इन्फ्लेशन. टू मच मनी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो चेजिंग यानी कि वो भगा देता है किसको, टू फ्यू गुड्स कॉसेस इन्फ्लेशन,
ज़्यादा पैसे के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को बका सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं वही वो इन्फ्लेशन बन जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है, दूसरा क्या है, इंक्रीज़ इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी होती है। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब अपना देश की जो सरकार है वो एक तरह से इन्वॉल्व है ये सब चीज़ों में कि कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह, यानी कंट्री अपने रुपये पैसे से संबंधित पीछे न रह जाए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोविजन ऑफ बेसिक यूटिलिटीज और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब सरकार ही इसके पीछे रहती है कि एक्सपेंडिचर अगर, यानी कि कोई भी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कार्रवाई, यानी कि काम धाम किस तरीके से उसका जो सिस्टमेटिक वे होता है दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर बदलाव आते हैं तो प्रोविजन ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़ जो इंसान की रोजाना की या जो कॉमन यूटिलिटीज़ होती हैं उपलब्धियाँ, यूटिलिटीज़ मतलब उपलब्धियाँ, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट तक उपलब्धियाँ जो होती हैं रोजगार के लिए वो ज़रूरी हो जाती है। विच इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और उसी के कारण जो सप्लाई होता है पैसों का इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज द इनकम्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल विच लीड टू ए राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और इसी वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है, और लोगों की मांग और इनकम दोनों जब बढ़ जाती है तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, यानी उसमें बढ़ोतरी होती है। दस इफ़ द गवर्नमेंट सर्कुलेट्स मनी इन एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर देन द राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल गेन्स मोमेंटम। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, सर्कुलेट करती है मनी को, सर्कुलेट यानी पैसे को घुमाना एक जगह से दूसरी जगह, यानी घूम घुमा के सारी जगह का जरूरत को पूरा करना, ये सरकार का काम होता है। इन एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर प्राइस बढ़ जाता है तो उसको सर्कुलेट करते हैं इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, तब पब्लिक की एक्सपेंडिचर जो होती है वो बढ़ जाती है, और देन द राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल्स गेन्स मोमेंटम, तब जो जनरल प्राइस लेवल्स होता है यानी जैसे कॉमन जो प्राइस लेवल्स होता है उसमें भी क्या होता है, मुनाफा होता है, यानी वो भी बढ़ जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। अब थर्ड टॉपिक है हमारा ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो इन इंडिया देयर इज़ 2% एनुअल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, यानी अपने भारत में देखा जाए तो हर साल 2% एनुअल इंक्रीज़, यानी लोगों की संख्या जो है हर साल 2% बढ़ जाती है, लीडिंग टू एन इंक्रीज़ इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसी वजह से हर इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉसेस इंक्रीज़ इन द डिमांड्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड व्हेन द सप्लाई इज़ इनसफिशिएंट द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, और इसीलिए इंसानों की संख्या बढ़ने के कारण इंसानों की जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं तो सप्लाई जो है वो धीरे धीरे इनसफिशिएंट यानी कुछ कम होने लग गया है। जब कुछ कम होने लग गया है तो चीज़ों के भाव जो हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। When the population is constant but their purchasing power increases due to rise of their income, there is an increase in price levels. अब देखिए, जैसे जनसंख्या जो है constant हो, constant यानी बराबर मात्रा में, ना घटती हो ना बढ़ती हो, तब क्या होता है, purchasing power increase, लोगों के खरीदने की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है due to rise of their income. अब वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी income भी बढ़ी होती है इसलिए उनके वो चीज़ें खरीदते भी ज़्यादा मात्रा में, there is an increase in price levels. तब क्या होता है, जो प्राइस का नॉर्मल लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। दस सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड्स फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से सप्लाई जो होती है मनी की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ इन डिमांड्स क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड्स भी बढ़ती हैं फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका सबका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये होप आपको ये तीन पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे।